प्रदेश की रीवा की ओर ले चलते, जहां गुणवत्ता विहीन भोजन मिलने की शिकायत लेकर छात्र रात में कलेक्ट्रेट पहुंच गए। हालांकि बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी अधिकारी नहीं मिले। मामला शहर में स्थित ज्ञानोदय छात्रावास का, यहां पर छात्रों को घटिया भोजन परोसा जा रहा है। कहने को तो छात्रावास में मेनू निर्धारित किया गया है, लेकिन छात्रों को उस मेनू के हिसाब से भोजन नसीब नहीं हो पाता है। दाल के नाम पर सिर्फ पानी रहता है, वहीं भोजन को अच्छी तरह पकाया नहीं जाता है और उसे छात्रों के सामने परोस दिया जाता है। पूरा मामला क्या है, आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। आज यहां पे कलेक्टर कार्यालय के सामने आए, क्या दिक्कतें आ रही हैं? हम ज्ञानोदय विद्यालय से 11th क्लास के साथ छात्र हैं। हम लोगों के यहाँ स्कूल में खाना अच्छा नहीं मिलता है। हॉस्टल में हॉस्टल वार्डन है तो बोलते हैं कि हो जाएगा और खाना अच्छा नहीं मिलता है। सब्जी अच्छी सब्जी में आलू कच्चे रहते हैं, पानी रहता है और दाल में दाल समझो नहीं, पानी और हल्दी के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। चावल कच्चा रहता है, रोटी में कंकड़ मिलते हैं छोटे। इतने दिनों से ये हमेशा चलता रहता है। हम लोग जिस क्लास से आए हैं 2013 से यही हमेशा चल रहा है। अधीक्षक से बोलते हैं हो जाएगा। कितनी बार शिकायत की आप लोगों ने? बहुत बार शिकायत करें पर कोई जवाब नहीं मिला हम लोगों को। कलेक्टर ने प्रिंसिपल सर से अधीक्षक सर से किए तब भी कुछ भी सुधार नहीं है उसमें। क्या मेनू क्या निर्धारित किया, खाने में क्या क्या मिलना चाहिए? खाने में सब्जी दाल चावल रोटी और सलाद अचार पापड़ और दाल फ्राई कुछ भी नहीं रहता इसमें। और यहाँ तक कि राजमा रहता था पिछले साल, उसमें मेनू से हट गया। मेनू हम लोगों का रियल मेनू नहीं है, जो मेनू है उसको अधीक्षक सर ने उसको छुपा के दूसरा मेनू लिखवाया है। हॉस्टल क्या है, क्या नाम है उसका? हॉस्टल का नाम है ज्ञानोदय बालक छात्रावास रीवा संभाग रीवा। दिक्कत है ये श्रीमान जी कि ये बच्चे जो है तो आवासीय ज्ञानोदय विद्यालय के हैं और ये आज की समस्या नहीं है, बहुत दिनों से है। और यहाँ पे जो हम लोगों ने एक बार जब 19 लड़कियाँ अभी बीमार हुई थी वहीं हॉस्टल है बगल में, हम लोगों ने उस पर गए एक्शन लिया। जो हम लोगों ने वहाँ पे पाया, बच्चियों ने बताया तो खाना की जो अनियमितता, जो बिगड़ा खाना मिल रहा है, ख़राब खाना मिल रहा है, तो इसका कारण जो है तो यहाँ से बजट सब आता है। अधीक्षक लोग जो है तो प्रिंसिपल को 20,000 जो है तो उनको पहुँचाते हैं। इस कारण जो है तो ये स्पेशल डाइट तक आज तक इनको नसीब नहीं हुआ। अधीक्षक पूरा जो है तो पैसा जो है तो मानो खा के बैठ जाते हैं। और यही जबकि ट्राइबल से हम लोगों को मानो इन सभी बच्चों को ये अथोराइज है। और हम जो है तो और भी हॉस्टल हैं जहाँ स्पेशल डाइट और जो है तो हर दूसरे तीसरे दिन अच्छा खाना और मानो प्रतिदिन अच्छा डाइट रहता है, लेकिन दूसरे तीसरे दिन स्पेशल डाइट बनता ही रहता है। लेकिन इनके हॉस्टल में जो है तो आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और ये जो है तो जो बजट का ये बहाना लगाते हैं अधीक्षक, ये पैसा खा के बैठ गए हैं और कुछ नहीं, जबकि पैसा आता है बजट से। आप डीओ ऑफिस से पूछेंगे तो जो है तो ऑलरेडी हमेशा जो है तो कभी कोई कमी नहीं। छात्र हॉस्टल से आए हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं? हम शासकीय ज्ञानोदय विद्यालय रीवा संभाग रीवा छात्रावास से आए हैं। आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं खाने में, क्या लेके दिक्कतें आ रही हैं? खाने में दिक्कतें ये आ रही हैं कि खाना हम लोग को सही ढंग से नहीं मिलता। मतलब कि जब से हम लोग आए हैं यहाँ ज्ञानोदय छात्रावास में तो खाना तो मिलता है, लेकिन सही टाइम पर खाना भी मिलता है, लेकिन क्या रहता है उसमें कि खाने में खराबी रहती है। कभी दाल गड़बड़ रहेगी तो कभी चावल गड़बड़ रहेगा, किसी न किसी दिन हर एक प्रॉब्लम रहती है। और किसी किसी दिन कि कभी दाल में पानी ज़्यादा रहेगा तो दाल ही कम रहेगी, ठीक। और कभी क्या रहता है कि जैसे सब्जी बनी है आज तो उस सब्जी में हमें आलू बस दिखाई दे रहा है, लगता है सेम दिखाई दे रहे, लेकिन उसमें एकदम पानी ज़्यादा मात्रा में दिखाई दे रहा है और कम मात्रा में दिखाई दे रहा है। ऐसा लगा है उसमें उसे काट कर उसमें डालकर पानी बस डाल दिया गया है। मेनू के अनुसार से प्रदान किया जाता है। हाँ, कभी कभी ये होता है कि जैसे आज संडे के दिन मान लीजिए हलवा कर दिया, ताजो आज मान लीजिए हलवा नहीं मिला तो उस टाइम पर मिलेगा, सुबह टाइम पर तो उस टाइम आएगा। लेकिन मेनू के अनुसार ही खाद्य सामग्री उपलब्ध की जाती है, किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती जाती है। छात्रों को शासन के नियमानुसार, शासन के निर्देशानुसार जो भी शासन प्रदान कर रही है उसे हम पूरे बच्चों को दे रहे हैं और मैं अपने कर्तव्य और निष्ठा के साथ उन्हें उनकी सेवा में लगा। कब से यहाँ पर आप कार्यरत हैं? मैं 2016 से कार्यरत हूँ। शुभ नाम आपका? मैं रामलाल वर्मा। कौन सा छात्रावासी? ज्ञानोदय बालक छात्रावासी रीवा संभाग। आपका पसंदीदा चैनल प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज स्टार टीवी पे उपलब्ध है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज चैनल की खबरों को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।